क्या आपको भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झाइयां, झुर्रियां, ये सभी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, या फिर अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, अगर नॉर्मल वे में डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन वगैरह, सनटैन वगैरह हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छी एंड यूजफुल रेमेडी शेयर करने वाली, जो कि आपके किचन में इजिली अवेलेबल मिल जाएगी। चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही यूजफुल सी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जो भी चीजें मैं इसमें यूज कर रही हूँ, आपके पास इजीली अवेलेबल होगा। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत आएगी, क्योंकि मैं अभी इस वक्त मायके में हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है कि मैं मायके में हूँ और जस्ट एकदम मेन रोड पे ही मेरा घर है, तो गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो उसकी वॉइस आती है। यही रीजन है कि मैं यहाँ पे वीडियो कम बना रही हूँ। ज्यादातर मैं वॉइस ओवर ही करने की कोशिश करती हूँ, बट बनाना था मुझे, तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। और अभी इस वक्त रात का टाइम है, मेरा जो बेबी है अभी, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है मेरा, तो आपको पता ही होगा, तो वो सो रहा था, मैंने सोचा चलो फटाफट से शेयर कर लें। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके फेस पे दाग धब्बे, झाइयां, झुर्रियां, तो उन्हें कैसे ठीक करें बहुत ही आसानी से। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो 6-7 मंथ के बाद से मेरे यहाँ माउथ के अराउंड एंड जैसे छोटे छोटे से तिल टाइप के स्पॉट हो गए थे मुझे, अभी भी बहुत ही लाइट है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया है देख सकते हैं, तो अभी तो डार्क सर्कल भी मुझे हो गए क्योंकि रात में बाबू जगाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के हल्के से बहुत से स्पॉट दिख रहे होंगे। अभी मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ जस्ट लिपस्टिक लगाया है और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दे रही हूँ। तो हाँ, मुझे बहुत ज्यादा मतलब माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, अभी आप देख सकते हो छोटे छोटे से स्पॉट हो गए थे। तो मैंने क्या चीजें ट्राई करी जो कि मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे, ट्रस्ट मी, अगर आप को प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी डार्क स्पॉट, झाइयां, झुर्रियां, बहुत लोगों को हार्मोन चेंजेस के कारण हो जाती हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर करी है, आप उसको बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स दीजिए, मेरी वीडियो को पसंद करिए, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूंगी। तो वो वाली जो रेमेडी शेयर करी थी, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड अगर अभी आप प्रेग्नेंट हो या आपकी डिलीवरी हो चुकी है और डार्क स्पॉट है मेरे जैसे, आपको पिगमेंटेशन हो गई है या फिर सन टैन ही क्यों ना हो, तो आप ना इस वाली रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली है, बिल्कुल भी मेहनत इसमें नहीं लगने वाला है। तो क्या क्या चीजें मैंने यूज करी है चलिए देखते हैं। एंड क्या करना है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी इग्नोर करिएगा क्योंकि अपना काम है। और आजकल मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, रीजन यही है कि मेरे पास मेरा छोटा सा बेबी है, प्रॉपर ध्यान उस पर है मेरा, तो रेगुलर मेरी वीडियो भी नहीं जा पा रही। जब भी मुझे टाइम लगता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज आप लोग का साथ सपोर्ट भी चाहिए। और मेरे मेकअप की वीडियो भी आप लोग जरूर देखा करिए। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच कच्चा दूध ले लिया है। इस तरह से जितने भी क्वांटिटी में बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको 1 वीक आप स्टोर करके भी रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है रोज़ पेटल पाउडर। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेंज ब्रांड का ले रही हूँ। आप सिंपली सा जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको आप छाँव में ड्राई कर लीजिए। छाया में सुखाने के बाद उसको बारीक पाउडर बना के रख लीजिए। तो अभी आपका रोज पेटल पाउडर तैयार है, अगर आप रेडीमेड नहीं यूज़ करना चाहते। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा मेहनत तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप रेडीमेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच रोज पेटल पाउडर एंड 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, जो कि दोनों ऑर्गेंज ब्रांड की है। आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से इसका एक घोल तैयार कर लेना है, पतला घोल जैसे कि मैंने बनाया उतना करना है। उसके बाद इसको आइस ट्रे में डाल देना है और इसके बाद इसको अपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है कुछ इस तरह से। तो आप 1 वीक के लिए इसको बना के रख सकते हैं। 1 वीक चैलेंज आप लीजिए और इसको अप्लाई कर लिए, फिर रिजल्ट देखिएगा।
उसके बाद इसको फ्रीजर में रख देंगे 4 से 5 घंटे के बाद। उसके बाद देखिए 4-5 घंटे में आइस इस तरह से जम गया था, तो इसका एक ट्यूब निकाल के मैं अपने फेस पे इस तरह से हल्के हल्के हाथ से स्क्रब कर रही हूँ। यहाँ पे स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही थी, और बाकी आपको हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है इस तरह से। स्पीड बढ़ी है वीडियो की तो आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज़ी से कर रही हूँ, नहीं मैं बहुत धीरे से कर रही थी। उसके बाद इसको ड्राई होने देना है 10 मिनट के लिए, तो यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब इसको नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ग्लो आया है। और इसको आप यूज़ करोगे ना, आप 7 डे चैलेंज लेके देखिए, 7 डे में ही आपके दाग धब्बे, डार्क स्पॉट, झाइयाँ, झुर्रियाँ सब कम होने लगेंगी, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम कम होगी, और आप अपने उम्र से 5 साल छोटे दिखोगे। तो जो रोज़ पेटल पाउडर इसमें डाला है वो आपके फेस पे गुलाबी सा निखार छोड़ती है, एंड मुल्तानी मिट्टी आपके एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, आपके फेस को ठंडक देती है, आपके स्किन को गोरा बनाती है, आपके डार्क स्पॉट पिंपल्स वगैरह कम करती है, एंड जो रॉ मिल्क है वो हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है एंड मॉइस्चराइज सो करता देखा है। गाइस, इसको बनाना कितना आसान था, अप्लाई करना भी इतना आसान है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, मैंने इसको 15 डेज ही ट्राई किया, मेरे जो डार्क स्पॉट वगैरह है काफी ज्यादा लाइट हो गए हैं, पिगमेंटेशन वगैरह आप माउथ के अराउंड देख सकते हो मेरी काफी ज्यादा कम हो गई है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर करी थी ना, उसको आप अगर जाके देखोगे, जो मैं बता रही हूँ प्रेगनेंसी में दाग धब्बे झाइयाँ झुर्रियों को कैसे ठीक करें, तो वो अली अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया था, बहुत ही क्लोजअप में दिखाया था, मेरे बहुत ज्यादा यहाँ पे पिगमेंटेशन वगैरह हो गई थी, छोटे छोटे से स्पॉट हो गए थे, तो वो चीजें मेरी बहुत ज्यादा लाइट हो गई हैं, आप देख सकते हो अभी भी हैं लेकिन काफी हद तक लाइट हो गई हैं। मुझे 70-80% अच्छा रिजल्ट मिला है, और इसको मैं थोड़े टाइम और ट्राई करूंगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आपकी स्किन बिल्कुल एकदम ग्लास स्किन की तरह क्लियर हो जाएगी। तो इसको ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं मैंने यूज किया मुझे तो कोई फायदा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता है, जो भी नेचुरल चीजें होती हैं वो धीरे धीरे वर्क करती हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और इसको आप लगातार 1 वीक तक ट्राई करिए, आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप 7 डे चैलेंज लेके एक बार जरूर देखिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो, एंड पसंद आए तो आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो फटाफट से लाइक करना, एंड चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए फिर ये वीडियो को यहीं एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए एंड अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।